तीव्रता, बैटो क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बैटो क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात पर को बैटो क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात एकांक परिमाण का परीक्षण आवेश बैटो क्षेत्र में जिस बल का अनुभव करता है उसे हम बैटो क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात एकांक परिमाण के परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सपोज करते हैं यह आवेश हमारा है प्लस क्यू और ये परीक्षण आवेश है क्यू जीरो, तो इसके कारण इस पर लगने वाला बल एफ हो, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे कैपिटल ई से लिखते हैं, कैपिटल ई बराबर एफ अपान क्यू जीरो, जहां एफ परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, इसका मात्रक देखते हैं, मात्रक बल का मात्रक बटे आवेश का मात्रक, बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो मात्रक इसका न्यूटन प्रति कूलाम। इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं, विमीय सूत्र बल का विमीय सूत्र एम एल टी माइनस दो होता है, आवेश का विमीय सूत्र ए टी होता है। तो इस तरीके से हम इसको जो सॉल्व करेंगे तो यम एल टी यहां पर एक ऊपर जाएगा, माइनस दो पहले से है, टी एक प्लस यहां पर ऊपर जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा, टी पर पावर माइनस थ्री ए माइनस वन। ये सदिश राशि है, सदिश राशि है, इसकी दिशा बल की दिशा में होती है, इसकी दिशा बल की दिशा में होती है, बल की दिशा में होती है। अर्थात धन आवेश के चलने की दिशा में, धन आवेश के चलने की दिशा में, जबकि अगर ऋण आवेश है तो उसके चलने की विपरीत दिशा में होती है। तो परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है, विमीय सूत्र ML T माइनस थ्री ए माइनस वन है, ये सदिश राशि है, इसकी दिशा ध्यान है बल की दिशा में होती है, वैद्युत बल की दिशा में होती है। अर्थात यह धन आवेश है तो उसके चलने की दिशा में और ऋण आवेश है तो उसके चलने की विपरीत दिशा में होती है। तो इस प्रकार से हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा। वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात एकांक परिमाण के परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह परीक्षण आवेश क्यू जीरो पर लगने वाला बल एफ हो तो एफ अपान क्यू जीरो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। मात्रक बल का मात्रक बटे आवेश का मात्रक अर्थात न्यूटन प्रति कूलाम, विमीय सूत्र ML T माइनस थ्री ए माइनस वन, ये सदिश राशि है, इसकी दिशा बल की दिशा में होती है, और यह धन आवेश है तो धन आवेश के चलने की दिशा में, जबकि ऋण आवेश है तो उसकी विपरीत दिशा में होती है। जैसे यहां भी धन आवेश, यहां भी धन आवेश, तो बल की दिशा है, तो इधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा तीव्रता की या वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी। अब हम विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र इसमें हमें कूलाम के नियम की भी आवश्यकता पड़ेगी। कूलाम का नियम तो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला
लगने वाले बल के संबंध में है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेश की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती जबकि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कैपिटल एफ इक्वल टू के q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है कूलम्ब के नियम का। अब हम बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बात करते हैं। माना ये कोई प्लस क्यू आवेश बिंदु ए पर रखा है, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है या वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। माना प्लस क्यू आवेश बिंदु A पर रखा है, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जहां पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। इसके लिए हम P पर परीक्षण आवेश की कल्पना करेंगे। माना परीक्षण आवेश q0 है। अब यहां पर भी प्लस आवेश परीक्षण आवेश भी धन आवेश होता है, तो स्पष्ट है ये दोनों आवेश परिमाण प्रकृति में समान है, अतः इनके बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का बल होगा। अब चूंकि ये हमारा परीक्षण आवेश है और सोर्स ये है, तो इसके बल के कारण इस पर इसके क्षेत्र के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा इधर होगी, और आपको बताया गया है कि बल की दिशा में ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी यही होगी। तो Q और Q0 पर लगने वाला पहले हम वैद्युत बल लिखेंगे, तो Q और Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल कूलम्ब के नियम से Q बल Q यौम Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल कूलम्ब के नियम से कूलम्ब के नियम से F बराबर के Q1 Q2 अपान Q0 जीरो, यहाँ क्यू और यहाँ क्यू जीरो, तो क्यू क्यू जीरो बटे आर स्क्वायर। परिभाषा से वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई बराबर एफ अपान क्यू जीरो, अभी पढ़ा है हमने वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई बराबर एफ अपान क्यू जीरो, एफ की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर K Q Q0 अपॉन R स्क्वायर इनटू Q0, Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, इक्वल टू आ गया K Q अपॉन R स्क्वायर, चूंकि K बराबर होता है 1/4 pi epsilon 0, इसलिए कैपिटल E बराबर हमारा आ गया 1/4 pi epsilon 0 q/r² बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसकी दिशा बल की दिशा में होगी, अर्थात एपी दिशा में, बल की दिशा में अर्थात एपी दिशा में। किंतु यदि यहां ऋण आवेश होता तो इसकी दिशा पीए दिशा में हो जाती, क्योंकि ये परीक्षण आवेश क्यू जीरो को अपनी तरफ आकर्षित करता। तो इस प्रकार से बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, इसके लिए हमने क्या माना था, माना कोई आवेश प्लस क्यू बिंदु ए पर रखा है, इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हम P पर परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। तो Q0 परीक्षण आवेश है, तो Q और Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल कूलम्ब के नियम से F बराबर K Q Q0 अपॉन R स्क्वायर। परिभाषा से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E बराबर F अपॉन Q0, तथा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात बराबर K Q Q0 अपॉन R स्क्वायर, Q से Q0 कट गया, E बराबर आ गया K Q अपॉन R स्क्वायर, चूंकि K बराबर
एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो भी होता है, इसलिए E बराबर एक बटे फोर पाई एप्सिलॉन जीरो Q बटे आर स्क्वायर। मात्रक इसका न्यूटन प्रति कूलम्ब दिशा ईपी दिशा में, किंतु यहाँ A पर जो स्रोत आवेश है हमारा माइनस होता तो इसकी दिशा पीए दिशा में होती।